हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट मॉडल के इस एक और वीडियो में। और टाटा इंडिगो ECS CR4 की सीरीज़ में आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप टाटा इंडिगो ECS CR4 की एक जो जनरल सर्विस होती है, जनरल सर्विस में एक कंप्लीट सर्विस जिसमें कि ऑयल चेंज होता है, इंजन ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, ये चीज़ हम आपको उसमें बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे सारे वो सारे डूज एंड डोंट्स, कौन से ग्रेड का ऑयल इसमें लगता है, क्या क्या सावधानियां होती हैं बदलने से पहले, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको जानकारी देंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, सर्विस किट की अगर मैं बात करूँ तो फ़िलहाल तीन चीज़ें हमने जो हमारे मैकेनिक हैं उनके रिकमेंडेशन पर लिए हैं। ये मैक का 15W40 CH4 जो इंजन ऑयल है, 5 लीटर का पैक लिया है क्योंकि CR4 में 5 लीटर इंजन ऑयल लगता है। साथ ही साथ हमने ऑयल फिल्टर लिया है, ये आप देख सकते हैं ये टाटा का ओरिजिनल है। और इसके साथ में एयर फिल्टर भी हम लोगों ने ले लिया है, बाकी वो देखने के बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि एयर फिल्टर एक्चुअल में चेंज करना है या नहीं। 345 का ये है और 200 रुपये का ये है और लगभग 1300-1400 रुपये का ये ऑयल हमको पड़ा है। रेट की अगर बात करें तो 1750 लिखा हुआ है लेकिन 1400 रुपये में ये मिल जाता है अगर आप पहचान वाले से लेते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमें जनरल सर्विस में लगती हैं, इसके अलावा अगर कुछ भी और लगता है तो वो सब एडिशनल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ऑयल कलेक्ट करने के लिए हमें इस तरीके की किसी टब की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने बोनट खोला और उसके बाद में तो गाइस ये है इसका ऑयल ड्रेन नट, बहुत ही स्पेसिफिक जगह पर होता है। ये हमारा ऑयल निकलना शुरू, और कुछ देर इसके छोड़ देंगे ऐसे ही ताकि पूरा ड्रेन ऑयल अच्छे से ड्रेन हो जाए इसका। तो गाइस अभी फ़िलहाल हमने जैक लगा लिया है इसका और ऑयल भी ऑलमोस्ट पूरी तरीके से निकल चुका है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ऑयल निकला है, लगभग पूरा 5 लीटर के आसपास ही ऑयल है इसमें। और अब हम खोलने वाले हैं इसका ऑयल फिल्टर। तो अभी हमारे चेतन भाई नीचे बैठ के जो ऑयल फिल्टर है उसको खोल रहे हैं क्योंकि इसके इंजन बे में ऊपर से इतनी जगह नहीं होती है कि ऊपर से खोला जा सके, तो हमेशा नीचे लेट कर ही खोलना होता है। तो वैसे भी फ़िलहाल हमें पाना मिल गया है, पाने से मिलने के बाद में उसमें थोड़ा सा हम लोग उसको फंसाएँगे और पाने से खोलने की कोशिश करेंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह पर है ये इसका ऑयल फिल्टर। गाइस फाइनली खुलता हुआ, बहुत मुश्किल से खुल रहा है, काफ़ी टाइम से शायद खुला नहीं होगा। तो गाइस ये है जो फिल्टर हमने निकाला है और काफ़ी मुश्किलों से निकला है, छेद करना पड़ा क्योंकि पहले हमारे पास में पाना नहीं था, बाद में पाना लेके आए। तो अच्छा ये होगा कि आप पहले ही अरेंज कर लें पाना, क्योंकि पुराना लग तो जाएगा लेकिन नए को आप किस तरीके से लगाएंगे ये प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब पुराना खुल तो जाता है लेकिन निकालने के लिए, लगाने के लिए तो आपको प्रॉपर टूल्स की ज़रूरत पड़ती ही। ओके तो गाइस ये हम अपना नया वाला जो फिल्टर है तो हम उसके एंड कर दें, उसको भी एरिया वाला बोलना है। ये ऑयल फिल्टर कस रहा है हमारा, थोड़ा सा इसमें पहले इसकी ओरिंग में हमने ऑयल लगा लिया था। और कई लोग ये भी कहते हैं कि आप इसमें पहले ऑयल के साथ में अंदर थोड़ा सा ऑयल भर भी लेना चाहिए जिससे कि अचानक से प्रेशर से ऑयल फिल्टर फटे ना, बट वो सब अपने अपने डूज एंड डोंट्स हैं। आप जहाँ पर करा रहे हैं उनकी सलाह से आप ये सब काम कर सकते हैं। वैसे ऑयल फिल्टर लगाने के बाद में अब ये जो ऑयल चेंबर का जो नट है वो कसना है, बस
एक लीनियंट वे में इसको टाइट करना है ताकि ऑयल किसी भी तरीके से वहाँ से फर्दर लीकेज ना करे। अब ऑयल भरने के लिए जो हेड कवर है वो हमने खोल लिया है और ये इंजन ऑयल यहाँ से डलेगा। इस वाले कवर को हमें खोलना है। तो गाइस ये जो CR4 इंजन होता है टाटा का इंडिगो का, इसमें 5 लीटर का 15W40 का रिकमेंडेड ऑयल ग्रेड होती है, वो आप डाल सकते हैं। बाकी सीज़न के हिसाब से आप ऑयल का ब्रांड और जो उसकी ग्रेडिंग है वो चेंज कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल हमें सर्दी में चलाना है और उसके बाद सडनली गर्मी आएगी ही आएगी, तो उसके हिसाब से हमने 15-30 का ऑयल इसमें दिया है। ये देखिए रिवॉर्ड मिला, मैक के अंदर जो रिवॉर्ड मिलता है। इसको पूरी तरीके से औंधा ही कर देते हैं हम कुछ देर के लिए, तो निकल जाएगा इसमें सब। कुछ देर के लिए जो केन है उसको इस तरीके से टिल्ट करके रख दीजिएगा ताकि जितना भी ऑयल है वो उसमें पूरी तरीके से ड्रेन हो जाए, क्योंकि फुल कैपेसिटी इसकी 5 लीटर की है। ऑयल फिल्टर और ऑयल डालने के बाद में अब जो तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है इसका एयर फिल्टर। एयर फिल्टर को खोलने के लिए हमें स्टार पेच की जरूरत पड़ेगी और यहाँ से हम इसको अपना एयर फिल्टर खोल सकते हैं। तो वैसे तो हम लोग नया लाए हैं, लेकिन खोलने के बाद भी सिचुएशन पता चलती है कि सही में चेंज करने की परिस्थिति है या नहीं। ज़्यादा जानकारी हमारे चेतन भाई देंगे। तो गाइस आपको अपनी गाड़ी से संबंधित कुछ भी जानकारी अगर चाहिए हो तो चेतन भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया मिल जाएगा आपको। कोई भी जानकारी, आप भोपाल या सीहोर के आसपास रहते हैं तो इनकी कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं सर्विस लेने के लिए, लेकिन आपको सीहोर ही जाना पड़ेगा। तो गाइस ये है इसका एयर फिल्टर, और अगर इसमें ब्लोअर मार के देखें तो मेरे हिसाब से साफ ही है। क्या गंदा है, क्या लगता है? साफ तो जाएगा, लेकिन कोई मुश्किल नहीं। क्या बोल इंजन है, सर्वो वाले इंजन है, थोड़ी नहीं तो ठीक है, नए डाल देते हैं। ठीक है, निकाल दो इसको। पहले भी देखिए दोस्तों, इसी ब्रांड का लगा हुआ था, कितना साफ है ये। इसमें और इसमें आप अंतर देख सकते हैं, ये देखिए टेंजिबल डिफरेंस। कर देंगे उसमें, लेकिन ये क्या फिटिंग अभी करवाएंगे, पर हेड खोलेंगे ना जब भी, फिर भी वही फिटिंग खुलेगी, वही तो बेड डबल लगना है। तो ऐसे ही हमने इसमें एयर फिल्टर लगा दिया है और अब इसको वापस हम कस देते हैं। तो वैसे अभी इस तरीके से हमारी जो इसकी CR4 की जो सर्विस थी वो अभी कंप्लीट हुई है। भाई एक बार गाड़ी को चालू करके देखते हैं और देखते हैं कि इंजन के साउंड में क्या चेंजेस आए। अरे चुंगी तरफ की तो भाई, सर्विस के आखिरी हिस्से में याद आया कि कूलेंट भी बदल लेना चाहिए, क्योंकि कूलेंट जो था इसका हमने देखा खोल के तो एकदम पानी बन चुका है। ये देखिए, एकदम पानी जैसा है। तो इस कारण से हमारे एक्सपर्ट ने बोला कि भाई इसको चेंज ही कर देना चाहिए। तो इस हिसाब से हम चेंज करने के पर्पस से इसका जो रेडिएटर में लगने वाला कूलेंट का ड्रेन नट है, तो हम इसको खोलेंगे। यहाँ से इस तरीके से निकलेगा, देखिए बिल्कुल पानी जैसा निकल रहा है, इसलिए ये रिकमेंड हुआ कि इसको निकाल देना चाहिए। तो गाइस ये लगभग 1 लीटर कूलेंट हमने इसका निकाल दिया है, ताकि हम वापस से जो इसका 1 लीटर प्योर जो कूलेंट है वो उसमें लगा सकें।
डाल सके। आमीन। तो देख के तो लगता है कि एक लीटर काफ़ी हो गया होगा, और अगर ज़्यादा निकल भी जाएगा तो भी हम उसको दोबारा से डाल सकते हैं। तो ये है गाइस थोड़ा सा गाढ़ा वाला। और ये बचा हुआ थोड़ा, तो गाइस कुछ इस तरीके से अभी हमने इंडिगो ECS CR4 इंजन की ऑलमोस्ट फुल सर्विस कर ली है। इसमें केवल एक चीज़ रह गई है फुल सर्विस के हिसाब से, जो वो है इसका डीज़ल फिल्टर। डीज़ल फिल्टर क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था, गाड़ी केवल अभी 57,000 किलोमीटर चली हुई है और एक बार हम इसका डीज़ल फिल्टर बदला चुके हैं, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 30,000 से 40,000 किलोमीटर पर आप इसका डीज़ल फिल्टर चेंज करवा सकते हैं। तो बिल्कुल मिला के हमारी पूरी सर्विस हो चुकी है भाई। इसकी एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेते हैं और देखते हैं इंजन नॉइज़ वगैरह ऑयल चेंज करने के बाद में किस तरीके का साउंड देता है। तो अगर आवाज़ की अगर मैं बात करूं तो आवाज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मुझे महसूस हो रही है, और डीजल इंजन है तो आवाज़ तो खैर आना बनता भी है, लेकिन पहले से काफ़ी कम आवाज़ हो गई है। तो यही एक फ़ायदा होता है, एक इंस्टेंट फ़ायदा ये होता है कि आवाज़ काफ़ी स्मूथ हो जाती है। और एक लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट है वो ये है कि अब गाड़ी का जो माइलेज है और पिकअप, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क आपको सीधे सीधे तौर पर महसूस होगा। तो गाइस ये तो थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, इसमें आज हमने आपको टाटा इंडिगो ECS CR4 इंजन के साथ में जो गाड़ी होती है उसके इंजन की सर्विस, ऑलमोस्ट फुल सर्विस आपको करके दिखाई, आपको पसंद आई होगी। इसमें इस्तेमाल होने वाले जो जो कंपोनेंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसको ख़रीदने का लिंक मिल जाएगा। अगर आप भी चाहें तो वीडियो को देखकर हमारी जो आपकी खुद की जो गाड़ी है उसकी सर्विस कंप्लीट कर सकते हैं घर पे। और छोटी छोटी बातों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन वाले जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कुछ छोटी छोटी मगर मोटी मोटी ट्यूटोरियल वीडियोस भी हम समय समय पर लाते रहते हैं, और वो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होती है। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, देखते रहिए क्राफ्ट और मॉडल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।